तो पहले दिन का रिस्पांस कैसा रहा आपका? पब्लिक रिव्यू आपने देखा होगा, कैसा रिस्पांस है अभी तक? हाँ जी, पहले दिन का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है हम सबके लिए. हमको मैसेज आ रहे हैं और जो बिजनेस किया है पिक्चर ने विदाउट प्रमोशन, एंड इसका मतलब लोग जो बाहर निकल रहे हैं थिएटर से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं. बहुत पॉजिटिव, और इसीलिए वो ग्रोथ दिख रही है एंड लोग जा रहे हैं और हॉल्स भर रहे हैं. सो वेरी एक्साइटेड. आई थिंक यही हमारा प्लान था कि इस पिक्चर में कॉन्टेंट इतना स्ट्रांग है कि हमें खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम बोलें कि पिक्चर ऐसी है, पिक्चर ऐसी है. कॉन्टेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और वही हो रहा है. बहुत एक्साइटेड है एंड तभी हम आज आए प्रमोशन करने के लिए. हाँ, रिलीज के बाद रिलीज के बाद आए. सो हैप्पी के मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यूज नहीं हुए हैं और सारे हैक्टिक से बचते हुए आप जिस टाइप की फिल्म है इत्तेफाक, अगर हम बहुत ज्यादा इसके बारे में बोलते तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल आता जो हम नहीं चाहते थे, और वही हुआ. मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस अगर एंड तक रहे, लोगों के दिमाग में रहे, तो आई थिंक बेहतर है. एंड विच इज वॉट हैपेंड, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. अभी पहले हिंदी की चले जाए. हाँ. बाद में बात करेंगे तेलुगु की. ये और आप ये प्रोड्यूसर से पूछ लो तो बेटर होगा. ये जब ये हिट हो जाएगी तो हम उसमें. हाँ. गुड आफ्टरनून समय. अरे कैसे हैं आप? हाय. आपने पिक्चर देखी? सर मैं प्रमोशन सुनी थी. कौन सा? आप अपनी पिक्चर कर रहे थे? आप कौन सी पिक्चर में काम कर रहे हैं? हमने प्रमोशन बंद कर दिया, आप प्रमोशन में बिजी हो गए. अब हमारी भी प्रमोशन कर रहे हैं. क्या बात है. देखो शुक्रिया इनकी वजह से हमारी पिक्चर. आपको हमारी गुडविल नहीं चाहिए. अक्षय ही वांट्स टू वॉच अ फिल्म विद यू बेसिकली. सर मेनी कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. काफी मैथ्स के हिसाब से काफी अच्छा किया है कलेक्शन. डेफिनेटली. हाँ. ऑल्सो और हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इस टाइप की फिल्में, इस जॉनर की फिल्में बहुत कम बनती है फिल्मों में. एंड उस हिसाब से विदाउट एनी प्रमोशंस, विदाउट एनी सॉन्ग्स जो ओपनिंग मिली है, आई थिंक इट्स ग्रेट. ऑल्सो बिकॉज एकदम टिपिकल कमर्शियल पिक्चर नहीं है. वी डोंट हैव द रेगुलर नाच गाना लोकेशन एंड अदर थिंग्स की लोगों को अट्रैक्ट कर पाए. जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स अ वेरी कॉन्टेंट स्टोरी ड्रिवन फिल्म. तो वी आर एंजॉइंग कि यार खुद ही जब लोग पसंद करते हैं और बिजनेस बढ़ता है, इट्स दिस फिल्म स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. एंड लोगों ने खास करके प्रोमो देखे. बिल्कुल, सिर्फ ओनली प्रोमो देख के जब लोग आते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट दिखता है. और आई थिंक एक और बात है कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर द डायरेक्टर. उसकी डेब्यू फिल्म है अभय चोपड़ा, जो हमारे साथ नहीं है यहाँ पे. आई थिंक वीव इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड डायरेक्टर टू द इंडस्ट्री एंड उसका बहुत लंबा करियर होगा, आगे चलेंगे. And we hope all of us get to work with them again. Definitely. Akshaye, how do you see the film releasing and how you analyze the film release and the connections? I think it's too early now. It's just released, yesterday. And from whatever initial response I've got, it's very positive. So we'll analyze it later. But right now, it's very, very positive. How much are you guys interested in the numbers? Because first day collection, 4 crores. And how much are you guys into numbers? आई थिंक इस फिल्म में अभी आज के बाद अगर हम बोले तो ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट कह सकते हैं कि अच्छा बिजनेस कर रही है. बट आई थिंक शुरुआत में हम किसी का थॉट नहीं था कि यार ये पिक्चर एक्स वाई जी नंबर करें, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, ये टिपिकल कमर्शियल पिक्चर के अंदर नहीं आती है. तो यहाँ पे लोगों को हमारा काम पसंद आए, कहानी पसंद आए, या लोगों को लगे कि अच्छी मर्डर मिस्ट्री है, एक थ्रिलर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. जो हमें कल मतलब मेरे को सबको मैसेज आ रहे हैं and text aa rahe hain, so we are I think personally more happy about that. It's a bonus that the film is doing well at the box office, so that's why I'm very happy we are all sitting here and talking to you. And good afternoon. Hi, it's Khanna the public. First of all, congratulations for the first day collections. Your promotional strategy has been less for more, less promotions and more for us. Yeah. So do you think the promotional strategy has affected the film in positive or negative way either? I think positively. I think positive now. Yeah. When we look at it, people came with a clean slate ki yaar, they have no idea what the film is about. And I think the best interval chatter that I have noticed, where people start chatting ki kaun hai murderer, maybe it's a third person, yeah. Fourth person. Everybody there are their has own theories, their own versions. Which I think has not happened in many years, because no one's ventured into this genre for many, many years. And so we're just excited that it seems a bit fresh and seems a bit new and people are enjoying it. Thank you.
We might. Abhi to koi aisa. Our producer Juno was saying today we'll go and sneak into one of the theaters and watch how everyone's reacting to it. Should be fun. It should be fun. Yeah, yeah, it should be fun. So maybe we might. दो बार देखी जी दो बार देखी वो पहली बार उन्होंने देखी उन्हें इतनी पसंद आई कि वो दिल्ली चले गए थे बोला कि अगली स्क्रीनिंग कब है मैं स्पेशली उसके लिए वापस आऊंगा और वो वापस आए और उन्होंने दोबारा फिल्म देखी उन्हें बहुत पसंद आई अरे महफिल जो जमा रहे हैं यार क्या है आपके तीन प्रोड्यूसर्स एक साथ फिल्म को जब करते हैं प्रेजेंट करते हैं डज इट वर्क फाइन वेल दिस वन डिड कभी-कभी झगड़े हो जाते हैं लेकिन इस फिल्म में बिल्कुल नहीं हुआ और सब बहुत स्मूथली गया और करण शाहरुख तो है ही बहुत अच्छे दोस्त पर बीआर के साथ भी उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा और सब बहुत खुश है आप सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं नहीं ऐसे मंच पे जाके लोग बोलते हैं कुछ चीजें ऐसा सच नहीं है सब कुछ सच नहीं होता है आज आपसे बात कर रहे हैं आपके लिए आए स्पेशली हां शनिवार के दिन वही तो मैं बोल रहा हूं ना एक बार आदमी प्रोमो देखता है फिल्म का तभी वो अपना मन बना लेता है कि मेरे को देखनी है पिक्चर नहीं देखनी है उसके बाद उस फिल्म का एक्टर अगर एक इंटरव्यू करेगा या हजार इंटरव्यू करेगा उससे मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता है हाँ अवेयरनेस बढ़ता है पर वो निर्णय जो उन्होंने लिया है प्रोमो देखने के बाद वो नहीं बदलता है ऐसा मेरा मानना है आई थिंक ऑल्सो हमारी पिक्चर में एक फ़ायदा था इसका बिकॉज एक मिस्ट्री बनी रहती है बिकॉज हमारी मर्डर मिस्ट्री है तभी वो आइडिया आया कि हम शायद इंटरव्यू ना दें बिकॉज हम अपने किरदार के बारे में दो लाइन से ज़्यादा बोल भी नहीं सकते आपको या कहानी क्या है नहीं बता सकते तो वो इंटरव्यू भी फिर नेगेटिव होगा तो बनना Absolutely. I think my confidence to do films like this comes from the films that I've done in the past, which kind of the more commercial, the more massy kind of films. Usse mujhe confidence mila hai aisi film mein. Hausla bada hai mera. So I feel yes, and going on, jo response se mili hai, jo response mere previous characters ko bhi mili hai, jo solo maine kiye hain, usse definitely aur confidence milta hai, and I would want to. Last question. Haan ji. बिल्कुल आई थिंक मोर कॉन्फिडेंस टू ट्राई नॉट टू यू नो टू एक्सपेरिमेंट अगर आप देखें ये पिक्चर बिल्कुल सेफ जोन में नहीं आती है इसमें जैसा कि मैंने कहा काफ़ी कुछ नया है और काफ़ी कुछ अलग भी है स्पेशली अगर जिन लोगों ने पिक्चर देखी है अगर वो किरदार की बात करें या यू नो हम लोग सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें वो कमर्शियल हीरो हीरोइन या यू नो ऐसे कोई फ्लैम्बॉयंस नहीं है तो आई थिंक डेफिनेटली ये पिक्चर जब अच्छी करती है तो आपको एक हौसला मिलता है कि आगे आप अलग अलग स्क्रिप्ट पकड़ें अलग जॉनर्स करें जो काफ़ी देर से लोग नहीं देख पा रहे हैं जी बिल्कुल मैं बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाए I think bilkul humne also I think what clever thing they did was ki they saved the money that they spent on promotion and making us travel and we put it in media spent so I think uski zyada value milti hai aapko because agar aap kabhi kabhi hum jo paise lagte hain travel karne mein production karne mein aur time bhi jo lagta hai sometimes it not come back in return and times have changed I think so I think it was a great call by all the producers to not promote and we're pretty happy that today without that we've got a good Friday and it's growing on a Saturday and people are saying good things and positive so yeah it's worked out pretty well thank you guys you want to watch the film with you हाँ कल संडे को कौन सा शो
सिद्धार्थ आपके सामने लुक चेक कर सामने एकदम अभी तो क्या घर तक छोड़ेगा मैम स्टार्ट अपने लेफ्ट से लकी मैम यार सुनोकी सामने मैम मैम लकी मैम यार अरे थैंक यू कोई नहीं बोलना तुम लोग होने के बाद थैंक यू मत बोला लेफ्ट मैम लकी मैम लेफ्ट यार थैंक यू बोल यार लकी मैम यार 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 सुनोकी सामने आके सुनोकी मैम इधर जाने यार एकदम सामने राइट कर दिया सुनोकी सामने सर एक लास्ट टाइम आपके सामने अक्षय विजुअल खराब हो ना दिल खराब हो तो यहाँ पे सर लेफ्ट कंप्लीट करो क्या कौन लेफ्ट या कौन यार नकी हो सोनाक्षी हो स्ट्रेट सोनाक्षी इधर यार रुकिए इधर सोनाक्षी हो सोनाक्षी लेफ्ट सोनाक्षी यहाँ पे क्या कौन है लेफ्ट यार मतलब कौन है लेफ्ट सोनाक्षी मैम लेफ्ट में हेलो बिला ऑन लेफ्ट अक्षय सर यहाँ पे Come. I think you should shift little there because then. Come, okay. Shift little there. Yeah. Distribution of mics.